ग्रेटर नोएडा के ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी एसटीएस यूटिलिटी सर्विस में भीषण आग लग गई, जहां आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आपको बता दें कि भीषण आग लगने से कंपनी में लगभग 60 लाख का सामान जलकर राख हो गया है। वहीं आग में कोई जनहानि नहीं हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से कंपनी में भीषण आग लगी है, और आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। तो ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी एसटीएस में ये आग लगी है, जहां पर आप भीषण आग की तस्वीरें देख रहे हैं। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बताया जा रहा है कि आग लगी है।